पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो राफेल के भारत में आने से दुश्मनों की रातों की नींद और चैन दोनों उड़े हुए। दरअसल भारत में राफेल के आने की खुशी है, तो वहीं यूपी के बलिया में यह खुशी दुगनी हो गई है। दरअसल राफेल को फ्रांस से भारत लाने वालों में क्रांतिवीरों की भूमि बलिया का लाल विंग कमांडर मनीष सिंह भी शामिल है। विंग कमांडर मनीष बलिया के बकम्बा गांव में उनकी इस कामयाबी से गांव के लोग एक दूसरे को मिठाई खिला करके खुशी मना रहे हैं। वहीं मनीष के पिता इस कामयाबी पर अपने लाल को सैल्यूट कर रहे हैं, तो यहीं दूसरी तरफ उनकी माँ भी बेहद खुश हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो घर में पकवान बनाकर खुशी मनाएंगी और सुंदरकांड का पाठ भी करेंगी। वहीं गांव वाले भी इस कामयाबी से काफ़ी खुश हैं और भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि ये कामयाबी गांव के लिए गौरव की बात है, तो इसलिए कुछ लोग खिला पिला रहे हैं और कुछ लोग किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं। भैया हैं, उनके छोटे भाई हैं और ये हमारे पिताजी हैं और माताजी घर में हैं। और भैया क्लास सिक्स तक गांव में पढ़े हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल था, न्यूनतम शिक्षा निकेतन। उसके बाद सिक्स के बाद उनका इंट्रेंस एग्जाम हुआ सैनिक स्कूल का, हरियाणा पंचकूला करनाल में है। फिर भैया वहाँ पर गए, प्लस टू तक पढ़ाई किए, फिर एन डी ए का फॉर्म भरे और वो सिलेक्ट हुए। सिलेक्शन होने के बाद वो चार साल ट्रेनिंग किए, उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रैंक पे एयरफोर्स में ज्वाइन किए। आज वो प्रमोशन लेके विंग कमांडर के रैंक पे हैं और वो रफाल लेके आ रहे हैं, दिन में एक बजे रफाल अंबाला में आ जाएगी। बचपन से उनका बहुत होशियार था, लेकिन वो हम लोग भोपाल में थे तो वो उठने लगे तो मेरे को तो बहुत डर लगे कि लोग बोले कि केस पर जो उड़ाते हैं उनको माँ बाप से उल्टा सलामी लेकर रुक जाते हैं। तो मैं सोची कि बाप ये कैसे माँ बाप हैं कि अपने उल्टे सलामी लेकर अपने बच्चे को फेंक देते हैं, लेकिन उसी में मेरे भी लड़का गए। आज खुशी महसूस हो रही है? अभी तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। हुए मनीष कभी भी मेरा खुशी नहीं था, तो वो बोली अपने दोस्तों लोग से कि सभी लोग खुश हैं लेकिन मेरे मम्मी नहीं खुश है, क्योंकि वो बोलती है कि इसमें मर जाना है। पर आप नहीं चाहती थी कि मुझे? हाँ, पर मैं नहीं चाहती थी। आज आपको गर्व महसूस हो रहा है? पूरे भारत को। आगे बढ़ेंगे। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने अयोध्या के आसपास के 9 जिलों में एडीजी से डीआईजी स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की। सभी अधिकारी 6 अगस्त तक अपने अपने जिलों में डेरा जमाकर सुरक्षा गतिविधियों की कमान संभालेंगे। एक रिपोर्ट। यूपी में कोरोना महामारी के बीच आने वाले सप्ताह में यूपी पुलिस के लिए चौतरफा परीक्षा है। खासकर अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर आईबी समेत अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की प्रदेश में गतिविधियां बढ़ गई हैं। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के श्रीराम मंदिर भूमि पूजन से पहले अयोध्या में हमले की इनपुट मिलने के बाद से खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी पैनी नजर यहां और सख्ती से गड़ा दी है। सूत्रों का कहना है कि 300 से अधिक आतंकी एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं। कई स्तर पर मॉनिटरिंग के साथ सैटेलाइट के जरिए भी यूपी में नजर रखी जा रही है। सेना की इंटेलिजेंस विंग ने भी सूबे में अपनी सक्रियता खासी बढ़ा दी है। सोशल मीडिया की गतिविधियों की उच्च स्तरीय निगरानी भी की जा रही है। अयोध्या और आसपास के जिलों में तेज तर्रार अफसरों की तैनाती कर अपने पर्यवेक्षण में अचूक सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें स्थानीय अधिकारियों का मार्गदर्शन करने और गहन समीक्षा कर पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने अयोध्या के आसपास के 9 जिलों में एडीजी से डीआईजी स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। सभी अधिकारी 6 अगस्त तक अपने अपने जिलों में डेरा जमाकर सुरक्षा गतिविधियों की कमान संभालेंगे।
ऐसे में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडे अमेठी में रहकर स्थानीय पुलिस अधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। सभी पुलिस प्रबंधों की समीक्षा व उनका अनुपालन कराने की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। ऐसे ही एडीजी यातायात गोंडा, एडीजी आईजी पीएसी मध्य जोन राम कुमार बहराइच, आईजी फायर सर्विस विजय प्रकाश सुल्तानपुर, आईजी प्रतिशारद पीयूष मोडिया अम्बेडकर नगर, आईजी बस्ती परिक्षेत्र एके राय बस्ती, आईजी भर्ती बोर्ड विजय भूषण बाराबंकी, डीआईजी पीटीएस उन्नाव चंद्र प्रकाश द्वितीय महाराजगंज व डीआईजी प्रशासन आरके भारद्वाज सिद्धार्थ नगर की कमान संभालेंगे। सभी अधिकारी रोज डीजीपी मुख्यालय को अपने जिले की रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएंगे।